जेई मेन 2019 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने बोला है कि ये एक टर्शरी अल्कोहल है, इस टर्शरी अल्कोहल को हम कैसे नहीं बना सकते। चार मेथड दिए हैं इन्होंने, इन चारों में से कोई एक ऐसा मेथड है जिससे ये वाला टर्शरी अल्कोहल नहीं बन सकता। उन्होंने पूछा वो कौन सा है। क्वेश्चन है कि दिस अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई विच वन। इसका मतलब इनमें से तीन ऐसे मेथड है जिनसे ये बनाया जा सकता है और एक कोई मेथड है जिससे वो बनाया नहीं जा सकता। मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, अगर आपको ये वाला अल्कोहल बनवाना है, ठीक है ना, समझो आपको ये वाला अल्कोहल बनवाना है, ठीक है ना, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप कोई कार्बोनाइल कंपाउंड ले लें ऐसा, ठीक है ना, और साथ में एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें RMGX, ठीक है ना, और बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है और यहाँ पर R3, राइट। आपके पास इस अल्कोहल में तीन ग्रुप्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए बाय दिस मेथड आपको क्या करना होगा, R1, R2 और R3 में से कोई एक यहां और कोई दो यहां लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तीन ग्रुप्स इस अल्कोहल पर चिपकाने हैं, और आने कहां से हैं, दो इस कार्बोनाइल कंपाउंड से आना है और एक ग्रिग्नार्ड से आना है, ठीक है ना। ये ऐसे होगी रिएक्शन, देखो यहां पर अटैक होएगा, ये O- बन जाएगा, बाद में थ्री O+ से इसको OH मिल जाएगा, R1, R2, R3 और OH। फंडा समझ में आ गया। अपने अल्कोहल के पास तीन ग्रुप्स हैं, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक फिनाइल है। इन तीन में से दो आने हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से और एक आना है ग्रिग्नार्ड से, ठीक है ना। एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में इन्होंने कहा है कि यहां पर दो H लिए जाएं और यहां पर ले लिया जाए PH, CH, CH3, CH2, MgBr, MgX और बाद में SrO+ कर दिया जाए। तो जरा देखो, यहां पर है पार्शियल माइनस, ये करेगा अटैक यहां कार्बोनाइल कार्बन पर, तो क्या बन जाएगा बताओ। इस कार्बोनाइल कार्बन पर दो एच है, एक ओ माइनस बनेगा जो ओ एच बन जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, CH2, CH, CH3, PH। क्या ये अल्कोहल है? नहीं, यानी ऑप्शन ए इज नॉट आवर आंसर, मतलब ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन ए में जो रिएजेंट्स दिए हुए हैं उन रिएजेंट्स से ये अल्कोहल नहीं बन सकती, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो चुका है। खैर, ऑप्शन बी और सी और डी भी देख लेते हैं। बी में क्या है भाई, इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक तरफ पीएच लिया, एक तरफ इथाइल लिया, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड में क्या लिया, CH3 ले लिया, ठीक है भाई, यही तीन तो हमें चाहिए थे, सही है, तो बन जाएगा। आप देख लो, ग्रिग्नार्ड में से जो CH3 माइनस निकलेगा वो इस पर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, S3O प्लस करने के बाद PH, और यहां बन जाएगा CH3, यहां हो जाएगा इथाइल और OH। ये इस मेथड से हम बना सकते हैं। सी में देख लो, PH, CO और CH3 और ग्रिग्नार्ड पर इन्होंने इथाइल लिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसे भी बन जाएगा यही वाला अल्कोहल। देख लो, ये जो इथाइल है ना वो इस कार्बोनाइल पर अटैक करेगा और O- को OH बना देगा। डी में देख लो, डी में हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें एक इथाइल ग्रुप लिया हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप लिया हुआ है और ग्रिग्नार्ड से पीएच आ जाएगा, वेरी गुड, यही वाला अल्कोहल बन जाएगा। देख लो, पीएच माइनस कहां अटैक करेगा, पीएच माइनस अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कंपाउंड पर, ये ओ माइनस बन जाएगा। मैं आपको क्या बोल रहा था, हमें अल्कोहल में तीन ग्रुप्स चाहिए, उनमें से दो आएंगे कार्बोनाइल से और एक आएगा ग्रिग्नार्ड से, तो बन जाएगा। लेकिन अगर आप इन ग्रुप्स की पोजिशन, इन ग्रुप्स की स्ट्रक्चर आप बदल देंगे तो नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए, प्लीज नोट डाउन।